मेरे अपने अत्यंत आत्मीय प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज 2 जून 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के लिए जो मैंने विषय का चयन किया है, यह विषय मुझे प्रोवाइड किया है डीडी न्यूज़ के एक एडवर्टीजमेंट ने। अगर आप दूरदर्शन की खबरें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत एक एड आता है। दोस्तों, एड कुछ इस तरीके का है कि जो पीवी संधू हैं, जिन्होंने अभी ओलंपिक में हम लोगों के लिए बैडमिंटन में जो सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं, दिखाया गया है कि शुरू में वो जंजीरों में बंधी हुई हैं, जंजीरों में बंधी हुई हैं, जंजीरें हैं, और देखिए हाथ में, पैर में, चारों तरफ जंजीरें ही जंजीरें, और उन जंजीरों के बीच में वो कसमसा रही हैं, परेशान हो रही हैं। और बड़ा बहुत अच्छा उन्होंने उसमें एक्टिंग की है। आप देखिए, कसमसा रही हैं, कसमसा रही हैं, कसमसा रही हैं, और अंत में झटका देती हैं, और झटका देते ही धीरे धीरे वो जंजीर टूटनी शुरू होती है और उन्के हाथ पैर सभी उन्मुक्त हो जाते हैं और वो आजाद हो जाती है। और आजाद होते ही जबरदस्त बैडमिंटन का एक शॉट लगाती है, और फिर वो जीएसटी पर, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर ये उन एड है। और फिर वो कहती है कि जो पूरा का पूरा जो भारत है वो एक है, यानी कि जितने भी बंधन थे वो सब के सब बंधन खत्म हो गए। पता नहीं, जब मैं ये एड देख रहा था तो मुझे लगा कि यार, हमारी जिंदगियां भी जो है, हम सबकी कहीं ना कहीं इसी तरह की जंजीरों में कैद हैं। और ये जो जंजीरें हैं, इन विजिबल जंजीरें यहां तो दिखाई दे रही है, चलिए इस चित्र में तो, इस विजुअल्स में तो सब दिख रही है, कड़ियां हैं जंजीरों की, और बड़ी मोटी कड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो हाथ, पैर, छाती, सब कुछ को जकड़े हुए है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी अपनी जो जंजीरें हैं, जिनके हम गुलाम हो गए हैं, जिनके हम कैदी हो गए हैं, वो तो दिखाई ही नहीं देती, लेकिन वो बुरी तरह से हमें जकड़े हुए हैं। और ये जंजीरें कभी हमारे दिमाग में हैं, तो कभी हमारे शरीर में हैं, तो कभी हमारे इमोशंस में भी हैं, हमारी ऊर्जाओं में हैं, यानी कि हर चीज हमारी जो मूल्यवान है, जो आजाद होनी चाहिए, वो सब के सब जंजीरों में कैद हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये जो जंजीरें हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इन जंजीरों के कारण ही हमने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। कंफर्ट जोन कहने का मतलब है कि हम हैं तो एक कैद खाने में, या हो सकता है कि आप अच्छे बगीचे में ही हो, कोई बात नहीं, और हम उस कैद खाने के या उस बगीचे के अच्छा या खराब जो कुछ भी है, इतने आदी हो गए हैं, इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम उसको छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। हमारे अंदर वो पीवी संधू जैसी कसमसाहट आ ही नहीं रही है। और हो सकता है कि ये जो कसमसाहट नहीं आ रही है, इसके पीछे रीजन ये हो, एक रीजन कि हमें बाहर की दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं है कि जो बाहर की दुनिया है वास्तव में वो कितनी खूबसूरत है, वहां कितनी अच्छी हवाएं चलती हैं, कितना सूरज का कितना सुंदर प्रकाश आता है, जिंदगी कितनी खुशहाल है, हमारे अपने तरक्की के कितने ज्यादा रास्ते हैं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। या अगर जानते भी हैं तो हमें लगता है कि जब मैं यहीं खुश हूं, यहीं मुझे अपने इस सिचुएशन से कोई शिकायत नहीं है, तो फिर मैं वहां बेवजह क्यों जाऊं, मुझे उससे क्या मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर हम बहुत निर्ममता के साथ अपने अंदर झांकें, अपना विश्लेषण करें, तो फिर वो चीज पकड़ में आ जाती है कि हम कहाँ अपने से ही परेशान हैं, अपनी परिस्थितियों से हमारी शिकायतें हैं, हम यहां से आजाद भी होना चाहते हैं लेकिन हम आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि हम आजाद होना नहीं चाहते। और आजाद क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। दोस्तों, मैंने इस कंफर्ट जोन को बहुत महसूस भी किया है, और सबसे बड़ी बात है कि इस कंफर्ट जोन कि जो शिकार होते हुए मैंने देखे हैं, उन्हें आज भी जब मैं याद करता हूं तो बहुत अफसोस करता हूं। अफसोस इस मायने में कि वास्तव में वो सब बड़े क्षमतावान लोग थे, उनमें ऊर्जा थी, उनमें ज्ञान था, सच पूछे तो उनमें महत्वाकांक्षाएं भी थी, और बल्कि केवल महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ ताड़ कर उन जंजीरों को
बाहर भी निकल गए थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जब उनको रहने के लिए दूसरा जोन मिला, उसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाए। चाहे वो फिजिकली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो इमोशनली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। फिजिकली एडजस्ट करने का मतलब है कि मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, मेरा गांव, मेरे अपने लोग, मेरा अपना वातावरण, ये फिजिकली है कि मुझे अपनी पसंद का वहां खाना मिल जाता था, यहां तो पसंद का खाना नहीं मिल रहा है। ये फिजिकली है, एक भौतिक जगत की हमारी जो सुविधाएं असुविधाएं होती हैं उसमें परेशानी हुई तो हमने फैसला किया कि चलो अब वापस चला जाए, अब लौट चलें। इमोशनली इस मायने में कि याद आ रहे हैं, अपने लोग याद आ रहे हैं, अपने घर के लोग, अपना गांव, अपने गांव के लोग, वो सारी चीजें याद आ रही हैं, हम इमोशनली वीक हो रहे हैं। मतलब भौतिक रूप से तो कोई परेशानी नहीं, बल्कि यहां सुविधा ही है। जैसे जब मैं अपने गांव के बारे में याद करता हूं मित्रों, तो मुझे सच पूछे तो यही महसूस होता है कि जब मैं गांव में था उस समय तो बिजली भी नहीं होती थी, बस वहां तक जाती नहीं थी, 4 किलोमीटर पहले उतर जाना पड़ता था, खुले में शौच जाना पड़ता था। उस समय की मैं 70 की बात बता रहा हूं, बारिश हो रही है तो सोचिए कि कितनी दिक्कतें होती होंगी। मतलब अगर मैं भौतिक सुविधाओं की बात करूं तो गांव में असुविधा के सिवाय और कुछ था ही नहीं। सुविधा के नाम पर तो केवल यही था कि एक बड़ा सा घर था, ऊपर बड़ा सा आसमान था, आप घूमते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, आप आजाद हैं सारे जहां से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली बात बिल्कुल थी वहां, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सुविधाओं के हिसाब से वो बहुत ही असुविधाजनक चीज थी, लेकिन जब मैं शहर में आया और शहर में जब बहुत सी सुविधाएं मिलने लगी, इसके बावजूद भी वो गांव बहुत बेतहाशा याद आता था। और सच में यही होता है। आप मैं अमेरिका में हम लोग गए हुए हैं, मैं और मेरी पत्नी, जब हम लोग अमेरिका गए, कनाडा गए, रहने का आलीशान मकान, मतलब अगर वहां हम असुविधा ढूंढ करके और बताएं कि भैया तुम्हारे यहां ये असुविधा है, तो कोई असुविधा ही नहीं थी। और सच पूछे तो वहां सुविधाएं इतनी ज्यादा थी कि वही असुविधा बन गई थी। और हम सबको अपना देश बेतहाशा याद आता था, अपना घर बेतहाशा याद आता था, अपने लोग बेतहाशा याद आते थे। और हम घूमने गए थे वहां, ठीक है, लोगों के आमंत्रण पर गए थे, वहां कुछ प्रोग्राम्स करने थे, लेक्चर सीरीज थी पूरी, आमंत्रण पर गए थे, वो उसको भी हम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अपने लोग याद आते थे। तो ये जो आदमी की जो सुविधा असुविधा है, इस कंफर्ट जोन के सामने दोस्तों खत्म हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि हम जिस भी माहौल में रहते हैं, इनफैक्ट हम उसके हैबिचुएट हो जाते हैं, हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। मित्रों ठीक है, हैबिचुएट हो जाना एक अच्छी बात है, अभ्यस्त हो जाना ठीक है, जिंदगी से अगर कोई शिकायत नहीं है तो ठीक है, जिंदगी चल रही है। लेकिन इसका एक बड़ा निगेटिव पक्ष भी तो है। निगेटिव पक्ष यह है कि हमारी जिंदगी केवल सिर्फ जीने के लिए तो नहीं है। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं वो जीने के लिए ही करते हैं, लेकिन हम इस जीने के प्रोसेस में दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, कुछ हम पाने के लिए भी करते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम अभी जिन चीजों को जी रहे हैं उसके लिए दूसरों ने काम किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आज मैं जिस पेड़ के फल खा रहा हूं, वो पेड़ मैंने तो नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। हाँ, ये मैं जरूर जानता हूं कि मेरे पिताजी ने लगाया होगा, मेरे दादाजी ने लगाया होगा। अगर मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने वो पेड़ नहीं लगाया होता तो आज मैं फल नहीं खा पाता। तो अगर उनके लगाए हुए पेड़ के फल मैं खा रहा हूं तो मुझे भी तो ये सोचना होगा कि मैं कुछ तो पेड़ लगाऊं कि मेरी आने वाली पीढ़ी फल खा सके और ये जो फल खाने का सिलसिला है ये बना रहे, नहीं तो एक समय में खत्म हो जाएगा। इसे ही मैं कह रहा हूं कंट्रीब्यूशन। चाहे आप इसे महत्वाकांक्षा कह लीजिए, चाहे आप इसे कैरियर कह लीजिए, चाहे आप इसे अपना योगदान कह लीजिए, चाहे आप इसे रचनात्मकता कह लीजिए, चाहे इसे कुछ करना कह लीजिए, चाहे आप इसे सामाजिक काम कह लीजिए, चाहे आप समाज सेवा या देश सेवा कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन जीना ही तो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद उसमें कुछ ऐड करना भी है, कुछ जोड़ना भी है। अब ये जोड़ना कैसे होगा, क्योंकि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन का शिकार हो गया तो मान करके चलिए कि ये जोड़ने का काम फिर नहीं हो सकेगा। ज्यादातर लोग यही करते हैं मित्रों, ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो अपनी गतिशीलता को खत्म कर देते हैं, अपनी एक्टिविटीज को खत्म कर देते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि इनफैक्ट जब कोई भी कंफर्ट हमारी एक आदत बन जाती है, आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद भी यदि हम उसे कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा नहीं रह जाती।
उसमें एनर्जी नहीं रह जाती, एनर्जी तो उसकी निकल चुकी होती है, क्योंकि अब एफर्ट, अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है ना। जब एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है तो बात खत्म हो गई। इसलिए दोस्तों, जो जीवन के जो चैलेंजिंग फील्ड होते हैं, जैसे आप कभी पता नहीं फिल्म स्टार्स के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फिल्म स्टार्स की बात इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स कि उनके प्रति हम सबके दिमाग में बड़ा ग्लैमर होता है, देखो ये इतने नामी गरामी हैं, इतने फॉलोअर्स इनके हैं, जहां भी ये पहुंच जाते हैं भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग धक्का मुक्की करते रहते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं सोचते हैं, कितनी कम उम्र है, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास फ्लैट में रह रहे हैं, क्या जीवन के शान है, तो हमारे दिमाग में ग्लैमर बनता है। लेकिन मित्रों, हम ये नहीं समझ पाते, जिसे समझना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जिंदगी की सफलताओं के लिए बहुत जरूरी है, समाज में कुछ योगदान करने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि ये मेहनत कितनी करते हैं। ये सब भी अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग थे, और अब तो फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके माता पिता के पास ही इतनी संपत्ति है कि वो कुछ न भी करें तो बड़े आराम से आलीशान जिंदगी जी सकते हैं, उनको कोई कमी नहीं है, इसके बाद भी वो उसको तोड़ते हैं। किसी एक्टर से जाकर के पूछिए, किसी एक्ट्रेस से जाकर के पूछिए कि कैसे तोड़ते हैं, जिसकी वो एक्टिंग कर रहे हैं उस एक्टिंग को समझने के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के बीच में जाकर के रहते हैं जहां कोई सुविधा नहीं होती, और एक ऐसे माहौल से वो गए हुए हैं जहां कोई असुविधा ही नहीं है, मतलब उनकी सुविधा और असुविधा में फर्क का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही अधिक ज्यादा है, इसके बावजूद वो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी सरल रेखीय नहीं है, वो सरल रेखा में मूव नहीं करती, जिंदगी की जो का जो रिचनेस है, इसकी जो सच पूछिए तो जो ताकत है, जो इसकी जो समृद्धि है, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो बहुमुखी है, जिंदगी चारों तरफ से फैलनी चाहिए, लंबाई में ही नहीं, एक तरफा नहीं, और वो उसको तोड़ते हैं, और वो जितना अधिक तोड़ते हैं उतनी ही उनकी एक्टिंग पर हम तालियां बजाते हैं, उतनी ही एक्टिंग पर ये वो सिद्ध करते हैं कि यस ही इज ए क्रिएटिव एक्टर, क्रिएटिव एक्ट्रेस। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हम सब अपना कुछ समय, ये जो बड़े लोग हुए हैं, इन बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ने में दें, तब हमें पता लगेगा कि सच्चाई जिंदगी की क्या है। फ्रेंड्स, आपने माइकल एंजेलो का अगर नाम सुना हो, मैं माइकल एंजेलो की का एक तरीके से पूजा करता हूं उस आदमी की, उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, अद्भुत व्यक्ति थे, और उनके बनाए हुए मैंने मूर्तियां भी रोम में देखी हैं, और उनके बनाए हुए चित्र भी मैंने वेटिकन सिटी में देखे हैं प्रत्यक्ष तौर पर, और जब मैं देख रहा था तो मेरा शरीर रोमांचित था, अरे मैं माइकल एंजेलो, मैं एक ऐसी जमीन पर खड़ा हूं जिस पर कभी माइकल एंजेलो भी खड़े हुए होंगे, मैं एक ऐसा चित्र देख रहा हूं ओरिजिनल जिस पर कभी उनकी उंगलियां फिरी होंगी, उन्होंने उंगलियां फेरी होंगी, अपने उंगलियों में ब्रश फंसा करके इस कैनवास पर उन्होंने उस कूची को फिराया होगा। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज एक ऐसे चित्र के सामने खड़ा हूं, मैं एक ऐसी मूर्ति के सामने खड़ा हूं। उन माइकल एंजेलो ने मित्रों, अद्भुत प्रतिभावान और अद्भुत उनके द्वारा बनाए गए चित्र और मूर्तियां अद्भुत, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, और मैं वो बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब वाक्य जो है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में मौजूद रहकर निराशा के क्षणों में हमें एक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों कहा था, माइकल एंजेलो ने, कि अगर लोगों को पता होता कि मैं विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करता हूं तो उन्हें इतनी हैरानी नहीं होती। ये उन्होंने कहा कि अगर उनको पता लग जाए कि सच में माइकल एंजेलो कितनी मेहनत करते थे तो मेरे काम को देख करके हैरान नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार जो इतनी मेहनत करेगा वो ऐसी चीज तो बना ही लेगा। दोस्तों, जहां भी मेहनत की बात आएगी वहां कंफर्ट जोन से निकलने की ही बात आएगी, और सच पूछिए तो वो जो कंफर्ट जोन से जो निकलने की बात होती है ना, वो जो मेहनत होती है वही अपने आप में कंफर्ट बन जाता है, वही अपने आप में कंफर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों,
आज अपने इसी उद्बोधन के साथ, इसी मैसेज के साथ, या विचारों के इसी आदान प्रदान के साथ मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, और इस सूचना के साथ कि कल शनिवार है, नेक्स्ट डे रविवार है, इन दोनों दिन लाइफ मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं हो सकेगा। सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा।